पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और इस बेल आइकन को दबाने में भी बिल्कुल ना शर्माएं, ताकि जब भी मैं अपलोड करूं वीडियो आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल और आप सभी को मेरा सलाम। मैं हूं उज्ज्वल सक्सेना और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं द ऑल न्यू टाटा टिगोर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्राइसेस के बारे में। तो टिगोर पेट्रोल का बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है 5.2 लाख से और टॉप एंड मॉडल जाता है 6.49 लाख तक। और अब बात करें डीजल इंजन ऑप्शन की, तो डीजल का बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है 6.09 लाख से और टॉप एंड वेरिएंट 7.38 लाख तक जाता है। पेट्रोल इंजन अगर आप लेंगे तो उसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन अवेलेबल हैं, मगर अगर आप डीजल इंजन ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं तो वहां सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन ही अवेलेबल होगा। टिगोर टोटल 6 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, सिल्वर, ब्लू, ब्राउन, व्हाइट, ग्रे और रेड। तो चलिए सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कार की फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, ये है ऑल न्यू टिगोर की फ्रंट प्रोफाइल। इसमें काफी कॉस्मेटिक चेंजेस की गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रिल के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं रीडिजाइंड डायमंड कट फ्रंट ग्रिल और नीचे लोअर पार्ट में क्रोम की गार्निशिंग मिल जाएगी आपको फ्रंट ग्रिल में और ये टाटा का लोगो। तो ये तो बात हुई फ्रंट ग्रिल के बारे में, कुछ इस तरह का लुक आएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं एयर डैम में। तो एयर डैम पे आप नीचे देख सकते हैं, यहां पर भी आपको क्रोम की गार्निशिंग मिल जाएगी और हेक्सागोनल मैशिंग मिल जाएगी आपको एयर डैम पे। नेक्स्ट अब बात करते हैं हेडलैम्प्स के बारे में। तो पहले जो टिगोर आती थी उसके टॉप मॉडल में हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिलते थे, मगर जो नई टिगोर आई है उसमें हमें मिल जाएंगे डुअल चैम्बर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और हेडलैम्प्स में भी क्रोम का काफी यूज किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये है पूरी हेडलैम्प असेंबली, टर्न इंडिकेटर्स आपको इंटीग्रेटेड ही मिल जाएंगे हेडलैम्प्स में। नेक्स्ट अब बात करें फॉग लैम्प्स की, तो सर्कुलर शेप के फॉग लैम्प्स मिलेंगे और क्रोम की गार्निशिंग मिल जाएगी आपको फॉग लैम्प्स हाउसिंग के अराउंड। तो ये तो बात हुई कार की फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं ये कार की फ्रंट प्रोफाइल। चलिए अब डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल कार की लेंथ है 3992 mm, विड्थ है 1677 mm और टोटल 1537 mm की हाइट है कार की। साइड प्रोफाइल में आप बात करें व्हील्स के बारे में, तो मशीन कट डुअल टोन 14 इंचेस के अलॉय मिलेंगे अगर आप एक्जेड प्लस डीजल लेंगे तो, और अगर आप पेट्रोल में एक्जेड प्लस या एक्जेड ए मॉडल लेंगे तो वहां पर आपको 15 इंचेस के व्हील मिलेंगे। डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं आपको फ्रंट में और टोटल 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा टॉप एंड मॉडल में। और ये आप देख सकते हैं ये है ORVMs, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs मिलेंगे टर्न इंडिकेटर्स के साथ। और कुछ इस तरह की लुक आएगा साइड प्रोफाइल का कार की। ब्लैक्ड आउट बी पिलर दिया गया है और विंडो फ्रेम पे आपको क्रोम की गार्निशिंग मिल जाएगी, सेम बॉडी कलर के ही आपको डोर हैंडल्स मिलेंगे और यहां पर भी क्रोम की गार्निशिंग मिलती है। ये आप देख सकते हैं विंडो फ्रेम बेस पे आपको क्रोम की गार्निशिंग मिलती है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं रियर व्हील के बारे में। तो यहां पर आपको ड्रम टाइप ब्रेक्स मिलेंगे और सस्पेंशन के बारे में बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है इंडिपेंडेंट लोअर विशबोन मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन सिस्टम कॉइल स्प्रिंग के साथ और रियर में आपको मिलता है सेमी इंडिपेंडेंट क्लोज प्रोफाइल ट्विस्ट बीम डुअल पाथ स्ट्रट सस्पेंशन सिस्टम। सेफ्टी के बारे में बात करें तो ABS EBD कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको टॉप 3 मॉडल्स में ही मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं यहां पर आपको मिलेगा ये शार्क फिन एंटीना और ब्लैक कलर्ड फिनिशिंग मिलेगा रियर स्पॉइलर। रियर विंडशील्ड में आपको डिफॉगर मिलेगा और सेफ्टी के बारे में बात कर रहा था मैं, तो डुअल एयरबैग सीट बेल्ट रिमाइंडर और ड्राइवर साइड सीट बेल्ट रिमाइंडर आपको जो स्टैंडर्ड मिलेगा। और ये है नया टेल लैंप क्लस्टर, ट्रांसपेरेंट टेल लैंप क्लस्टर है और स्प्लिटेड है। तो ये आप देख सकते हैं टिगोर की बैजिंग, बूट गेट पे भी आपको क्रोम की गार्निशिंग मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं ये कार की रियर प्रोफाइल और टॉप एंड मॉडल में आपको रियर बंपर में डुअल टोन फिनिशिंग मिलेगी और रिवर्स पार्किंग असिस्टेंस के लिए सेंसर्स मिल जाएंगे आपको। तो ये आप देख सकते हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं आपको और रिवर्स पार्किंग असिस्टेंस के लिए कैमरा भी मिलेगा आपको। चलिए अब मैं आपको बूट गेट ओपन करके दिखाता हूं। तो बूट गेट को एक्सेस करने के लिए या तो आपको फ्रंट कैबिन में बटन दिया गया है उसके थ्रू आप बूट गेट को एक्सेस कर पाएंगे या फिर आपको की को ही इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से ओपन हो जाता है बूट गेट। तो ये आप देख सकते हैं ये इतना हमें बूट स्पेस मिलेगा, टोटल 419 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। तो ये आपको एक आइडिया लग जाएगा बूट स्पेस का। टूल किट आपको ऊपर ही मिल जाएगी और स्पेयर व्हील आपको नीचे मिल जाता है। तो ये तो बात हुई बूट स्पेस की। और जैसा कि मैंने आपको बताया था रिवर्स पार्किंग असिस्टेंस के लिए कैमरा मिलता है, तो ये आप देख सकते हैं कैमरा मिलेगा आपको
जिसका डिस्प्ले सीधा इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे दिखेगा। चलिए अब मैं आपको ड्राइवर साइड डोर ओपन करके दिखाता हूं। तो क्रोम की गार्निशिंग मिलती है आपको ड्राइवर साइड हैंडल पे, डोर हैंडल पे, और कुछ इस तरह का लुक आएगा ड्राइवर साइड डोर का। डुअल टोन फिनिशिंग मिलती है आपको, यहां पे ऊपर मिल जाएंगे आपको ORVM के इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल कंट्रोल्स। क्रोम फिनिशिंग में मिल जाएगा डोर ओपनर, ग्रैब हैंडल पे आपको ग्लॉसी फिनिशिंग मिलेगी और ये पावर विंडो के कंट्रोल्स। यूटिलिटी स्पेस नहीं मिलती आपको डोर आर्मरेस्ट पे, हाँ नीचे आपको बॉटल होल्डर वगैरह मिलेगा, काफी अच्छा खासा स्पेस है। और कुछ इस तरह का लुक आएगा फ्रंट कैबिन का, और ये आप देख सकते हैं ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको। ड्राइवर साइड एसी वेंट कुछ इस तरह का दिखेंगे, यहाँ पर भी क्रोम की गार्निशिंग मिलेगी आपको। नीचे एक यूटिलिटी स्पेस मिलती है और तीन पेडल्स, और साथ में ड्राइवर फुटरेस्ट भी मिलता है आपको। ड्राइवर सीट के लिए मैनुअल एडजस्टमेंट कंट्रोल्स मिलते हैं। तो चलिए अब अंदर बैठते हैं और बात कर लेते हैं इंटीरियर्स के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं सर्कुलर शेप का स्टीयरिंग व्हील मिलेगा आपको टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ, टाटा का सिग्नेचर डिजाइन है। और ये आप देख सकते हैं की जिसमें आपको कार को लॉक अनलॉक और फॉलो मी होम हेडलैम्प के फीचर मिल जाएंगे। की को ही आपको इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जब भी आप कार को ऑन करेंगे। तो डुअल पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है क्रोम हाइलाइट्स के साथ। लेफ्ट में मिलता है आपको RPM मीटर या टैकोमीटर, और इसमें हमें मिलेगा 6.35 सेंटीमीटर का DIS यानी कि ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो शो करेगा क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, आउटसाइड टेम्परेचर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी और डोर ओपन इन्फॉर्मेशन भी। टिगोर में हमें दो ड्राइविंग मोड्स भी मिलते हैं, इको एंड सिटी के। और अगर आप AMT मॉडल लेंगे पेट्रोल में तो उसमें आपको स्पोर्ट्स मोड भी मिलता है। स्टीयरिंग माउंट पे आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाएंगे, लेफ्ट साइड में सोर्स, वॉल्यूम अप डाउन, कॉल पिक एंड म्यूट करने के, और साथ में आपको राइट साइड में मिलता है वॉइस कमांड के और कॉल कट करने के कंट्रोल्स। तो ये आप देख सकते हैं फ्रंट डैशबोर्ड व्यू ड्राइवर सीट से। और नेक्स्ट जो सबसे बड़ा अपडेट किया गया है ऑल न्यू टिगोर में, वो है इसका इन्फोटेनमेंट सिस्टम। तो ये आप देख सकते हैं ऑल न्यू 7 inches का कनेक्टनेस इन्फोटेनमेंट सिस्टम पावर्ड बाय हरमन, जो सपोर्ट करता है AM, FM, USB, ऑक्स, आईपॉड, वॉइस कमांड, एंड्रॉयड ऑटो। इसके साथ साथ क्लाइमेट कंट्रोल का भी डिस्प्ले होगा, जब आप क्लाइमेट कंट्रोल चेंज करेंगे तो इसका भी डिस्प्ले आपको इसमें स्क्रीन पे दिखेगा। स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल, फोन बुक एक्सेस कर पाएंगे और कोई मैसेज आएगा तो ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम आपको रीड करके सुनाएगा। और इस इन्फोटेनमेंट सिस्टम में आपको काफी सेटिंग्स वगैरह भी आप कर सकते हैं, जैसे कि व्हीकल सेटअप, ऑडियो सेटअप, फोन सेटअप, वॉल्यूम सेटअप वगैरह। व्हीकल सेटिंग्स में आप पार्क असिस्ट की भी सेटिंग कर सकते हैं कि अगर आप जब रिवर्स कर रहे होंगे अपनी कार को तो जो आपको अलार्म सिस्टम वॉर्न करेगा उसकी कितनी वॉल्यूम वगैरह आपको चाहिए। और ये है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पर आपको रियर डिफॉगर वगैरह के भी कंट्रोल्स मिलते हैं। नीचे आपको मिल जाएगा एक USB और ऑक्स पोर्ट और 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट, और नीचे कुछ स्पेस मिल जाती है आपको मोबाइल वगैरह रखने के लिए। और ये 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियर लीवर क्रोम हाइलाइट्स के साथ। पीछे 2 कप होल्डर्स के लिए स्पेस मिलती है आपको और एक यूटिलिटी स्पेस। और ये आप देख सकते हैं को ड्राइवर साइड डोर व्यू। ग्लव बॉक्स के बारे में बात करें तो आपको एक तो यहाँ पे डेडिकेटेड स्पेस मिल जाती है मोबाइल वगैरह रखने के लिए, और कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है आपको। अब ड्राइवर साइड सनशेड के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिलेगा, और यह है डे नाइट IRVM। और ड्राइवर साइड सनशेड के बारे में बात करें तो यहां पर भी आपको वैनिटी मिरर मिलेगा, और ये वॉइस कमांड के लिए माइक। तो चलिए अब फ्रंट कैबिन से निकलकर आपको रियर पैसेंजर कैबिन एक बार दिखा देता हूं। सेफ्टी के बारे में बात करें तो बस इसमें मुझे एक चीज की कमी लगी, जो इसका बेस मॉडल आता है उसमें आपको ABS, EBD और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स नहीं मिलते, तो ये स्टैंडर्ड मिलने चाहिए आपको। पैसेंजर साइड डोर कुछ इस तरह का दिखेगा, यहाँ पर भी आपको क्रोम फिनिशिंग में मिल जाएगा डोर ओपनर। डोर आर्मरेस्ट पे आपको यूटिलिटी स्पेस मिलेगी, और नीचे कुछ बॉटल होल्डर्स वगैरह के लिए स्पेस। और रियर पैसेंजर कैबिन व्यू कुछ इस तरह का दिखेगा, 3 हेडरेस्ट मिलते हैं आपको। तो चलिए अब अंदर बैठते हैं और बात कर लेते हैं कि कितना आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम लेगरूम मिलेगा। तो उससे पहले आप ये देख सकते हैं फ्रंट डैशबोर्ड व्यू। तो ये है ऑल न्यू टिगोर का रीडिजाइन डैशबोर्ड। कैबिन लाइट्स आपको सिर्फ सेंटर में मिलेंगी। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं मिनिमम लेगरूम। तो इस बार मैंने ड्राइवर सीट को बिल्कुल पीछे करा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ठीक ठाक स्पेस मिलती है, लॉन्ग राइड्स में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और एयर पैसेंजर्स के लिए यहां पर आपको मिलता है बॉटल होल्डर,
तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रेयर पैसेंजर्स के लिए आपको आर्मरेस्ट भी मिलता है जिसमें दो कप होल्डर्स मिलते हैं और हेडरेस्ट भी मिलता है मिडल पैसेंजर के लिए, अगर कोई मिडल में आप पैसेंजर को बिठाते हैं तो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम लेगरूम की। तो इस बार मैंने को ड्राइवर सीट को बिल्कुल आगे करा हुआ है, तो आपको आइडिया लग गया होगा मैक्सिमम लेगरूम का। अंडर थाई सपोर्ट के बारे में बात करें तो ठीक ठाक है, आप खुद ही देख सकते हैं अंडर थाई सपोर्ट। तो ये तो बात हुई मैक्सिमम लेगरूम की, और आप एक बार दोबारा डैशबोर्ड का लुक ले सकते हैं फ्रंट डैशबोर्ड का। और चलिए अब मैं आपको जो बोनट ओपन करके दिखाता हूँ ऑल न्यू टिगोर का इंजन। इंजन को एक्सेस करने के लिए आपको सेम फ्रंट कैबिन में लीवर मिलता है जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं बोनट को, यहाँ से ओपन हो जाता है। इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो ऑल न्यू टिगोर पेट्रोल में हमें मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन इंजन जो देता है 85 पीएस की पावर 6000 आरपीएम पे और 140 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क 3500 आरपीएम पे। और अब नेक्स्ट बात करें टिगोर डीजल की, तो यहाँ पर आपको मिलता है 1.05 लीटर का 3 सिलेंडर रेवोटॉर्क इंजन जो देगा 70 पीएस की पावर 4000 आरपीएम पे और 140 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क 1800 से 3000 आरपीएम पे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा। और हाँ, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट और बाइक चलाते समय हेलमेट लगाने में बिल्कुल ना शर्माइए, आपकी सेफ्टी के लिए है। और एक और बात, अगर आप नई टाटा टिगोर की एक्सेसरीज की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसकी एक्सेसरीज के ऊपर भी जल्दी ही वीडियो बना दूंगा आप सबके कहने पर। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।